अस्सलाम है सुफियान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, और सब खैरियत है? सब अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सुफियान भाई, आपसे फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी और आपने जो आपकी बकरियों के लिए गोट सुप्रीम एफ मंगवाया था, है ना, बकरियों के लिए, कि रिजवान भाई आओगे तो आपका प्रोडक्ट लेके आना। तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ आपसे मेरी बातचीत का और फिर वीडियो भी बनी माशाल्लाह। आज जो हम यहाँ खड़े हैं ये भी आपकी वजह से ही खड़े हैं जी, ठीक है? तो लोगों को ज़रा बताइए कि कैसे क्या हुआ और क्या चीज़ें हमने स्टार्ट करी और माशाल्लाह आज इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आपने उस दिन वो लेके अपना प्रोडक्ट, हाँ, उसके बाद अपना भाई आया उधर कि हाँ, क्या कर रहा है तू देखने के लिए, हाँ, हाँ, तो आपसे ये बात किया उसने क्या कि मेरे भाई के लिए कुछ दे दी, दो आप दो आप, हाँ। तो फिर आप भाई ने भाई को दिए और भाई तो इतने खुश हो गया, बस आपका ही नाम लेता है दिन रात। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जुनैद नाम है। तो आपसे मुलाकात हुई थी सिलसिले में कि आपके भैंसों के लिए आपको कुछ चाहिए था कि उनमें इम्प्रूवमेंट बढ़े, दूध बढ़े और फैट जो होता है, जो एक मतलब तबेले वालों की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको चाहिए था। और सुफियान भाई के ज़रिए आपसे मुलाकात हुई, आपको मैंने एक सैंपल बना के दिया, ये जो हम दिखाते हैं, नहीं चलेगा लगे है, ये अराउंड 25 किलो शायद कुछ दिए थे हम लोग ने, है ना, आपके भैंसों के लिए कि आप ये ट्राई करो। माशाल्लाह ये है, अभी तो इसका नाम डिसाइड तो कर लिए हमने, थोड़ा सा निकालिए ना सुफियान भाई, इसको थोड़ा सा निकालिए, दिखाइए। अच्छा, इसमें आप दे रहे हो निकाल के? हाँ, ये बाटे में मिक्स करने के लिए निकाल के रखे। अच्छा अच्छा, अब ये मिक्स होगा बाटे में, यानी ये दाना बना है? हाँ जी जी। तो किस तरह से देते हैं ये भी बताएंगे हम, और इसके फ़ायदे क्या मिले भाई को वो भी बताएंगे। भाई इससे फ़ायदा क्या मिला आपको? अल्हम्दुलिल्लाह भैंसों के दूध पर भी फ़र्क हुआ है और डाइजेशन सिस्टम वगैरह पर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा, तो यानी कितना दिन हो गया आपको देके? तकरीबन हफ्ता भर से ज़्यादा हो रहा है। हफ्ता भर से आप करीबन दे रहे हो? ऊपर ही टाइम बोला, यानी 10 दिन पकड़ लीजिए, है ना, 10 दिन से अराउंड दे रहे हो। तो 10 दिन में भैंसों के दूध में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? वो पहले तो एक जो सैंपल के लिए 1 किलो दिए थे, हाँ, उसमें गाय पे हमने ट्रायल लिए। अच्छा, पहले गाय पे ट्रायल, गाय पे ट्रायल लिए तकरीबन एक हफ्ते में, गाय तकरीबन एक लीटर के आसपास दूध पे बढ़ी थी गाय। अच्छा, एक लीटर के आसपास बढ़ गई थी, मतलब अगर 8 लीटर दे रही थी तो 9 लीटर हो गया अराउंड, एक मिसाल बोल रहा हूं। फिर आपने मतलब बोला कि भाई एक काम करो, मेरे को भैंसों के लिए दो, मैं भैंसों पे ट्राई करता हूँ। तो भैंसों में क्या मिला आपको? भैंसों के डाइजेशन सिस्टम पर भी उसका अच्छा रिजल्ट मिला, हाँ, और दूध पर भी फर्क है भैंसों के अभी, और जो अभी दशहरा या बारिश वगैरह चारा कम ज्यादा हो भी रहा था, हाँ, हाँ, उससे भी फर्क नहीं पड़ा दूध को। अच्छा, यानी आपका जो फ्लक्चुएशन होता था, हाँ, 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 तो अगर चारा कुछ कम ज्यादा हो जाए तो फ्लक्चुएशन, वो उसको फर्क नहीं पड़ा। त्यौहार के हिसाब से थोड़ा सा डिले हुआ, हाँ, जी, हाँ, जी, जी। लेकिन क्या बोलते हैं, दूध में फर्क नहीं पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्क। फिर भी अगर एक पूछूं मैं आपसे कि कितना, आधा लीटर बड़ा, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, क्या तकरीबन अगर पूरे भैंसों में पकड़ेंगे तो कितना फायदा मिला आपको? फिर भी आधा लीटर पर एनिमल, तकरीबन आधा लीटर पर एमएल एनिमल, अरे पर एनिमल आपको फर्क मिला? हाँ जी जी। तो माशाल्लाह, मतलब इससे पहले क्या क्या देते थे आप भैंसों को? पहले वही अपना जो रेगुलर चारा चारा था, कोई मार्केट से जो कैल्शियम वगैरह जो जो मिलते हैं, हाँ, वो देते थे जी जी। और अभी इस वक्त आप सिर्फ अपना सप्लीमेंट दे रहे हैं? जी जी, अभी तो यही चालू किया, इससे रिजल्ट मिला अच्छा, रिजल्ट अच्छा मिला। अब यानी ये है कि अभी कंटिन्यू अब ये सप्लीमेंट आप यहाँ से दोगे, है ना जी जी। चलो दिखाते हैं लोगों को किस तरह दिया जाता है, और अभी बाटा बन के ये रेडी है और वो भी हम दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो जुनैद भाई, यानी एक एक चम्मच जाता है इसके अंदर, कितना? एक जानवर को एक चम्मच, एक जानवर को एक चम्मच ना जी जी। अराउंड एक जानवर को एक चम्मच रहता है ये, देखिए, और ये मिला रहे पर एनिमल 10 रुपये कॉस्टिंग पड़ती है, 10 रुपये कॉस्टिंग पड़ती है पर एनिमल, पर जानवर के हिसाब से। चीज़ देखिए माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि सुफियान भाई, एक चीज़ ये है कि आपको तो पता है कि अपना जो सप्लीमेंट है बकरों में ही है, गोट सुप्रीम वगैरह है, गोट सुप्रीम एफ है, ये है वो। लेकिन देखो, ताल्लुकात से ही ताल्लुकात बनते हैं, बराबर। आपने इनसे मिला है और इनका भी आज फ़ायदा हो गया भाई, और इसमें आपको क्या फ़ायदा मिला है वो बताइए मेरे को। मेडिसिन वगैरह का भी खर्च पे फर्क पड़ा है। अच्छा, मेडिसिन वगैरह का भी, ये नहीं कंटिन्यू जो वैसे कुछ रेगुलर जो फीवर वगैरह का, उसके रिजल्ट भी थोड़े कम हो गए। अच्छा, ये बाटा लीजिए, डालेंगे अपन ये इनको भैंसों को, मतलब ये खा लेते हैं, कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ, कोई शिकायत की, कोई भैंस छोड़ रही है, कोई मसला नहीं।
आराम से खा लेते हैं। यानी एक्चुअली देखा जाए तो आप बाहर से कैल्शियम वगैरह भी और सब चीज़ें देते थे, लेकिन बस ऐसा है कि अब ये सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिला। और फर्स्ट टाइम शायद वीडियो भी बन रही है आपकी, है ना, तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम का भाई सबका ऐसा रहता है कि नहीं आती आवाज़ जो है ना अंदर से नहीं निकलती है, लेकिन ठीक है, ये खुशी है कि आपको फ़ायदा मिला है। और जो तबेले वाले उनसे क्या बोलना चाहोगे आप? प्रोडक्ट अच्छा है, यूज़ कीजिए। हाँ अच्छा मिला है, यानी एक तो दूध बढ़ेगा ठीक है। अच्छा दूध की क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट आया, कुछ इम्प्रूवमेंट आया? क्योंकि हमने ऐसे चीज़ डाले है कि दूध की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आए। दूध तो माशाल्लाह अच्छा ही है। पहले से क्या लग रहा है, कुछ थिकनेस वगैरह या फैट वगैरह क्या क्या बोलना चाहोगे आप? आपका तो तबेला है, आपका अच्छा जी जी, हर चीज़ में तकरीबन अच्छा रिजल्ट मिला इसका। अच्छा रिजल्ट मिला हर चीज़। देखो मैं तो समझता हूँ कि अगर तबेले वाला है एक और उसको दूध ही बढ़ के मिल गया तो उससे ज़्यादा खुशी की बात उससे कुछ नहीं। ज़्यादा मेन ये कि अगर भैंसों के बीमारियों का मेंटेनेंस कम हो जाए। अच्छा वो मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है, दूध ना बढ़े उससे ज़्यादा मेंटेनेंस, क्योंकि जो भैंस की बीमारी निकलेगी ट्रीटमेंट का खर्चा अलग, उस पर भैंस का दूध उस बीमारी में कम, और वापस उतने दूध पर भैंस आती नहीं। अच्छा सबसे मेन चीज़ वो है। मेन तो देखो हमने जो बनाए जो हमको मालूम है हम वो हिसाब से बनाए, लेकिन एक तबेले वाले की तकलीफ़ क्या क्या है ना, और इंशाल्लाह ताला देखो ये तो अभी फर्स्ट टाइम हमने आपको बना के दिया। मैं ये देखो गोट सुप्रीम जब हमने बनाया था तो वो स्टार्ट में कुछ और था और आज कुछ और है जो हमारा एक सप्लीमेंट है। तो इंसान धीरे धीरे ही सीखते हैं। अब आप लोग जो है हमको बताएंगे कि इसके अंदर और क्या चाहिए आपको, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होगा। मेरे को एक चीज़ ये पता है कि दूध बढ़ना चाहिए, दूध की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए भैंसों के ताल्लुक से। मैंने वो हिसाब से बनाया और ऐसी चीज़ें डाले हैं कि देखो हमारा तो एक ही चीज़ है कि जानवर बीमार ना पड़े, ठीक है। गोट सुप्रीम में भी यही है, हेल्थ सुप्रीम भी यही है हमारा कि जो भी जानवर यूज़ करता है उसका इम्यून इतना अच्छा होता है कि वो बीमार नहीं पड़ता। तो हमने इसमें भी वही चीज़ डाली है कि बीमार ना पड़े, और आपसे वो चीज़ पता चली कि मेरी दवाइयों का खर्चा कम हो गया है। और तबेले वालों को मेरे को लगता था दूध से मतलब है, लेकिन मेंटेनेंस से मतलब है उसके। तो थोड़ा ये फोकस करेंगे बहुत मैटर करती नहीं, ये तो मैं बोलूँगा इंशाल्लाह ताला, और आगे भी इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला इसका नाम भी हम सोच रखे हैं मिल्क सुप्रीम। बहुत जल्द है, तो अभी एक सैंपल के तौर पे दिया गया था आपको, इंशाल्लाह इसका नाम हम रखेंगे मिल्क सुप्रीम। आप जब भी आपको ऑर्डर देना रहेगा तो मिल्क सुप्रीम बोलना आप, के रिजवान भाई मिल्क सुप्रीम ला के दो, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़। हाँ अंदर दिखाने का, चलो आ जाओ आ जाओ। यानी ये एक भैंस को ऐसा हाँ गिरता है, और यहाँ से लाइन से अभी आप सभी भैंसों को दे रहे हो जी जी तकरीब। और अभी आप जो मैंने कॉस्टिंग बताई थी आपको कि जिन्हें आपने बताया 10 रुपये के हिसाब से, तकरीबन 10 रुपये। हाँ तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो यही रहेगी, फिलहाल तो अभी चालू है इसके अंदर काम, कोशिश ये रहेगी कि मैं और सस्ता इसको लोगों के लिए लेकर आऊँ जितना हो सकता है अपन कम से कम, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और लोगों को जो है वो दूध अच्छा मिले, क्वालिटी जो इसकी इम्प्रूवमेंट होगी, और इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये अब ये खाएंगे और यहाँ से ये दूध निकलना चालू होगा, है ना, माशाल्लाह ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़।